हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लाजो पर 3D इफेक्ट देना बताऊंगी। पहले हम इस इरेजर से ये लाइन को इरेज कर देंगे। हल्के हल्के हाथ से इसको इरेज करेंगे ताकि ये दिखाई ना दे। अब इस पर हम जिस भी कलर से हमें 3D इफेक्ट देना है उस कलर से आउटलाइन कर लेंगे। डार्क कलर से आउटलाइन करेंगे जिससे इसकी एजेस हाईलाइट हों। इसमें आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से 3D इफेक्ट दिया है। बस ऐसी तरह से हम इस प्लाजो में 3D इफेक्ट देंगे। पहले इसकी एजेस को हाईलाइट कर किया, फिर उसके बाद हम इसको पूरी तरह से फिल कर देंगे बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फैशन से जितनी भी रिलेटेड वीडियोस हैं मैं अपने चैनल में ऐड करती रहूँगी। इसमें पैटर्न मेकिंग, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप और टेक्सटाइल डिज़ाइन, सरफेस ऑर्नामेंट सभी इंक्लूड होगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप फैशन से रिलेटेड रहना चाहते हैं तो। अब मैं दूसरे डार्क कलर को लूँगी और इसकी एजेस को और ज़्यादा हाईलाइट करूँगी। पहले इतना पार्ट लेकर हमें इसको डार्क करके डार्क टू लाइट पे आना है और इधर भी इसी तरह इतना इफेक्ट को डार्क टू लाइट करना है। फिर इस इतने इतने एरिया को लेकर इसको डार्क टू लाइट करना है एंड फिर उसके बाद इतने इतने एरिया को लेकर डार्क टू लाइट करना है। उसके बाद इस एरिया को और ज़्यादा डार्क करेंगे हम। इसी तरह इस एरिया को भी डार्क से लाइट करेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसकी एजेस को और ज़्यादा डार्क करेंगे हम, जिससे ये एक साल नज़र आए। फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसके बाद हम इसकी एजेस को इस तरह से
बना देंगे और इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे। देन अंदर वाले पार्ट को भी इसी तरह लाइट फिल करेंगे और ऊपर की एजेस को और ज़्यादा डार्क करेंगे ताकि वो नज़र आए कि वो ऊपर की इफ़ेक्ट अलग है और अंदर का इफ़ेक्ट अलग है, दोनों को मैच नहीं करना है। अब इस तरह से इसको फिल करके इरेज़र लेकर इसको बीच में से इरेज कर देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से ये 3D इफेक्ट दे रहे हैं। देन आप लाइट कलर लेकर इधर की एजेस को और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। हमेशा डार्क से लाइट की तरफ जाना है आपको। बीच का एरिया आपको वाइट रखना है। आप फ्रेंड देख सकते हैं किस तरह से 3D इफेक्ट है। ये पूरे गारमेंट में मैंने 3D इफेक्ट दिया है क्योंकि ये फ्लैट गारमेंट है। ये इंडो वेस्टर्न गाउन है। थैंक यू फ्रेंड।